बोला है, हमारा पहचान महंगी गाड़ी पकड़ने से नहीं है, हमारा पहचान सुंदर बिल्डिंग बनाने से नहीं है, हमारा पहचान पहाड़ नदी से नहीं है, हमारा पहचान हमारे कल्चर से। हम जितना स्पोर्ट्स जो है इम्पोर्टेंट है, जितना जो जो बाकी इम्पोर्टेंट है उतना ही बल्कि उससे ज्यादा हमारा कल्चर इम्पोर्टेंट है। हमारा वेशभूषा, हम जो खाते हैं पहनते हैं, हम कहां से आए हैं, हम की क्या करते हैं। तो मैं नेशनल स्कूल ड्रामा राष्ट्रनाथ विद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे मैं हूँ, कार्यरत हूँ, और TIE थिएटर एजुकेशन कंपनी का मैं चीफ हूँ, वहां जो हमारा कंपनी है। मैंने जब 2006 से मैंने नाटक शुरू किया, एंड देन आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ दैट अभी के गवर्नमेंट जो है सपोर्टिंग आर्ट, स्पेशली जॉनमन सर, उनके मदद से हम अरुणाचल में थिएटर रेगुलेशन या फिर कल्चरल रेगुलेशन लाने की कोशिश में पहल में है, और उस पहल में आप लोग जुड़े हैं। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, थैंक यू सो वेरी मच। और मैं कहानी जो चैप्टर है उसके बाद में शुरू कर थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। मैं जब हमारा इस बार इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल है, अंतर्राष्ट्रीय ये है थिएटर फेस्टिवल है, जहां पे विदेशों से भी US से आएंगे, यूरोप से आएंगे, ताइवान से आएंगे, नेपाल से आएंगे, और इंडिया के बेस्ट ऑफ द थिएटर ग्रुप्स वो परफॉर्म करेंगे ईटानगर में, और उसका हिस्सा बनने वाला है आपके ये एक्टर्स, ये कलाकार। तो ये लोग रिप्रेजेंट करेंगे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के, चांगलांग के लोगों को, चांगलांग के कल्चर को। हमें पता है थिएटर को आगे जाने में, एक्टिंग को आगे जाने में रातों रात का काम नहीं है, समय लगता है, लेकिन एक कोशिश आप लोगों ने शुरू किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और इसके लिए मैं स्पेसिफिक थैंक्स देना चाहूंगा हमारे मेरे साथ जहां यहाँ आज बैठे हैं, थैंक यू सो वेरी मच। और खासकर कैसम पोंगते जी, उनके पास मैं गया, पोंगते सर के पास, उन्होंने कहा ओके आई कैन डू इट, विल डू इट, और उनके आज वो नहीं है, उनका फैमिली का जो मेडिकल केस के लिए वो दिल्ली में है, तो मैंने फोन किया था। आज चूंकि मैं दिल्ली रहता हूँ, दिल्ली में बहुत सालों से दिल्ली में काम कर रहा हूँ, मैं प्रोफेसर जॉब भी कर रहा हूँ, लेकिन हमें कहते हैं लोग आप कौन हो, चाइनीज हो, आप जापानीज हो, कोरियन हो, क्यों? हम कहते हैं हम हमारे यहाँ रोना रोते, हम ही नहीं पहचानते, हम ही नहीं जानते, उनको जानना चाहिए। बंगालियों के बारे में हम किससे जानते हैं, मराठी के बारे में किससे जानते हैं? दे आर कल्चरली वेरी रिच, और इंसल्व करते हैं फिल्म के तौर पर, नाटक के तौर पर, कल्चरल एक्टिविटीज के तौर पर। हम ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जो हमें नहीं जानते हमारे नीचे प्लेन के बारे में, उनको हम अपना कल्चर दिखाए, देन हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये करने की बहुत जरूरी है। तो अभी समय आ गया है, मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है कि हम आपसी डिफरेंसेस को छोड़ के रिवाइव करने की आपको जरूरत है, उसके लिए प्लीज आप लोग जिस तरह से इस बार सपोर्ट किया आगे भी सपोर्ट करते रहिए। मैं इस दो शब्दों के साथ खत्म कर, मैं डीसी साहब यहाँ आया, थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, आपने सपोर्ट किया, और हमारे एसपी साहब भी आया, थैंक यू वेरी मच, एंड रामप्रा फेक प्रमोशन सोसाइटी, थैंक यू सो वेरी मच, और ये सिलसिला आगे जाएगा। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में यहाँ से हमारे यहाँ से जो हमारे जो एक्टर है वो यहाँ से विदेशों में काम करे, और थिएटर के और एक्टिंग के और फिल्म के जो लेवल है वो हम असम, मणिपुर और बाकी बाहरी स्टेट के बराबर जाए, और ये हो सकता है। Thank you.
मैं सारे एनएसडी टीम को कंग्रेचुलेट करता हूं कि उन्होंने आज बहुत ही अच्छा ड्रामा शो दिखाया चांगलांग में, रांगप्रा माइथोलॉजी पे बेस्ड रांगतीप रांगपांग, जो कि बहुत बढ़िया रहा। इसमें पूरा आपका एनएसडी का सारा टीम और हमारे चांगलांग के यूथ और बच्चों को शामिल करके उनका बहुत ही अच्छा एक्टिंग रहा। और मैं आप सबको विश करता हूं कि फ्यूचर में भी हमारा जो कल्चर है उसको दुनिया के सामने उजागर करें। थैंक यू सो मच। सो जस्ट नाउ आई हैव सीन द प्रीमियर ऑफ ड्रामा बेस्ड ऑन रांगप्रा माइथोलॉजी। इट वॉज ऑर्गेनाइज बाई रूट्स एंड आर्ट्स कल्चर ट्रस्ट इन कोलाबोरेशन विद रांगप्रा फेथ प्रमोशन सोसाइटी। आई मस्ट कंग्रेचुलेट द एंटायर टीम, कंग्रेचुलेट द डायरेक्टर एज वेल एज द असिस्टेंट डायरेक्टर, एंटायर क्रू as well as the actors who have so professionally done it. The ensemble has been taken from various parts of the district, which actually truly has made it a, like, you know, what you call a complete, a wholesome experience for all the viewers. The houseful audience actually tells that the drama was really well. They kept it till the end. Everybody was present. That shows that it did grip the imagination of everybody who was there in the audience. I must tell you, like, I have gone through many of the Rangfra books, but this drama has made me, it's like etched in my memory now. I can actually now totally, like, you know, I will remember forever that what is the whole roots of Rangfra faith, Rangfra, like, you know, how did it grew and what exactly is important in the Rangfra faith. So I once again congratulate the entire team and wish them all the success. Thank you. You watch, मेरे लिए भी मैंने फर्स्ट टाइम रहा। एक्चुअली मैं भी ऐसा प्रोग्राम होगा बोल के मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं था, तो आज मैं ऐसा लगा कि मैंने जो फर्स्ट प्रीमियर ड्रामा रंगफ्रा का मैंने आपका मैंने माइथोलॉजी के ऊपर में बेस हुआ था, तो आप लोगों ने इतना मैंने ब्रिलियंटली आज ये प्रोग्राम को मैंने कंक्लूजन में लाया है। इसलिए मैं अपने तहे दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बेस्ट विशेष देता हूँ कि आगे भी हम लोग ऐसे जाके और आज जितना हम आप लोगों ने किया है उसे लेट अस ट्राई टू डू द बेस्ट वन इन कमिंग डेज। तो हम लोग सबका कलेक्टिव मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हमारा कल्चर को हम सब मिलकर आगे ले जाए। तो ऐसा ही मैंने आप लोग ये आपका ये मैंने परमानेंट से ये ऐसा चीज़ ये आपका हमारी डॉक्यूमेंट्री रहेगा, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू पीपल हैव डन। सो फॉर दिस great endeavor that you people had showcased this time, for that I must extend my heartfelt thanks to each and everyone. Finally aapka jo natak rangfra jo hai aaj ek mahina baad bahut hi मेहनत के बाद खत्म हो चुका है और ऑडियंस को भी बहुत प्यार मिला है और ऑडियंस ने भी बहुत ही तारीफ किया है। कैसा लग रहा है आपका जो एक्सपीरियंस, होल एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लग रहा है, अमेजिंग फीलिंग, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा है। या तो आप फर्स्ट टाइम चांगलांग आए हैं और एक्टर्स को सिखाने, ट्रेनिंग देने आप यहाँ पर आए, तो क्या क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिले? चैलेंजेस तो ये था, एक बार तो ऐसा हो गया कि पानी, मतलब पानी नहीं आ रहा था, तो सीधा बच्चा लोग क्या किया है, आर्टिस्ट लोग नदी से पानी पी लिया। नदी से पानी पी लिया तो सबको टाइफाइड हो गया है ना, कहीं ना कहीं सुना है कि ऊपर में गंदा से, लाइक टॉयलेट भी उनका है ना, टैंक जुड़ा हुआ है ना, तो ऐसा करके गंदा पानी आके सब बीमार हो के एक दो लोग चला ही गया। तो ये सब चैलेंजेस था छोटा मोटा, लाइक बीमारी का हो गया, पानी का, लाइट का हो गया, जो जनरली हमारे अरुणाचल में हर गाँव में फेस करने मिलता है, ये चैलेंजेस था। उसके बाद एवरीथिंग एल्स वाज गुड। तो आप कुछ मैसेज देना चाहोगे या कि जो 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 रंगप्रा फेथ प्रमोशन सोसाइटी वाले हैं, जो जो यहाँ के कोऑर्डिनेटर्स थे और जो यहाँ के जो फेस्टिवल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रिकेन गोमले? हाँ, लाइक आई वुड लाइक टू गिव माय थैंक्स टू आवर प्रोजेक्ट डायरेक्टर रिकेन गोमले सर जी, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो उनका ही विजन है ना कि हम लोग ये चाहे तो वही
कि हम लोग ईटानगर में भी कर सकता था ना ये प्ले को, आई मीन ईटानगर का आर्टिस्ट का साथ, है ना। लेकिन उनका एक विजन था कि अगर हम जहाँ में कर रहा है ना वही का कहानी हो और वही का यूथ्स हो, वही का आर्टिस्ट हो, तो अलग इम्पैक्ट होता है ना, और उनको भी एक अलग मौका मिलता है ना, एक नया मौका मिलता है थिएटर में आने का, है ना, आर्ट की फील्ड को और एक्सप्लोर करने का। तो इस चीज़ के लिए तो मेरा दिल से, तहे दिल से शुक्रिया एरिकन सर का, और रंगफ्रा पेट सोसाइटी के लिए भी थैंक यू सो मच। उनको बहुत तंग किया है हम ना, बार बार कॉल करके, सर ये नहीं है, पानी नहीं है, सर खाना नहीं है, सर इसमें वो हो गया, तो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प किया है ना। और स्टोरी भी वो लोग ही हमको लिख के दिया है ना, तो बहुत हेल्प मिला। थैंक यू रंगफ्रा पेट सोसाइटी, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी मेरा नाम है अवेन सावंत। तो आपका आपका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, आई थिंक पहला एक्सपीरियंस है, तो कैसा लगा आपको नाटक और पहली बार एक्सपीरियंस है तो मैंने बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा लगा हमको, तो मैंने बहुत कुछ मतलब कॉन्फिडेंस बहुत चीज सीखने मिला मैं, ऐसे तो था मतलब क्या ही बोले, घर में बैठ बैठ के अभी ये सब चीज कर रहे हैं तो मतलब अलग ही है ना, ये फीलिंग्स जो है अलग ही है, जो अभी मिला है प्यार से अलग ही है। थैंक यू सो मच। तो आप मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, मेरा तो फर्स्ट टाइम ही है ये कैंप में, ग्रुप में आए तो बहुत अच्छा लग गया, हमें आके बहुत कुछ सीखने मिले, तो यहाँ में जितना 100% देने के लिए कोशिश किया था लेकिन इतना नहीं सके, पर भी आगे जाके और मेहनत करेंगे। नेक्स्ट तो है ना, में है। तो आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा लगा नाटक को, आई थिंक आपका फर्स्ट टाइम है शायद आपका भी। मेरा भी सब यहाँ में जितना भी है सब ही फर्स्ट टाइम है मैंने बोलने से तो, और मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा कि मैंने जैसे आदमी का आगे में कैसे वो मतलब बोलना है और कैसे वो करना है वो सब, पहले तो जब हम लोग घर में बैठता था स्कूल छोड़ने के बाद में घर में बैठ के तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाता था, और स्टेज का बात तो छोड़ ही दो, मैंने ऐसे था हम लोग का तो, और आजकल मैंने स्टेज में आके हम लोग बोल सक रहे हैं, ये भी मैंने ये मैंने एक्टिंग थिएटर का वही मतलब वही हो गया ऐसे, मैम लोग जैसे बताते हैं मतलब आदमी का शर्म पूरा जितना भी शर्म था पहले तो मतलब बहुत शर्म करता था ऐसे करने के लिए भी, और कुछ भी करेगा तो शर्म लगता था, अभी तो लेकिन ऐसा नहीं है पूरा बहुत अच्छा, मतलब शर्म पूरा हट गया ऐसे, पूरा अच्छा एक्सपीरियंस ही रहे मेरा तो, आगे भी मैंने सकेगा तो आगे भी मतलब जितना जा सकता है जाके करके दिखेगा। मेरा तो फर्स्ट टाइम ही है जी, मैंने एक्टिंग जो मालूम ही नहीं था कैसे करना है वो के, लेकिन यहाँ एक्टिंग किया तो अच्छा लग रहा है मैंने, और इतना भीड़ भाड़ में कभी भी एक बार भी नहीं किए, आज ये बार पहले फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस मैंने बढ़ रहा है मैंने वही जी। डायरेक्टर मैम टिक से वर्कशॉप एक्सरसाइज बहुत मेहनत कर रहा है ना, रात का कितना बजे, 2 बजे 3 बजे तक? 2 बजे तक, हाँ एवरी नाइट 2 बजे तक करता था मैंने। फाइनली आप लोगों का नाटक जो है आप लोग खत्म करके अभी ऑडियंस का सामने स्टेज में परफॉर्म किया, कैसा लग रहा है इतना मेहनत करने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है मैंने, क्या बोलेगा बोल ही नहीं सक रहा मैंने, फर्स्ट टाइम हम लोग जितना भी लड़का लोग है सब नया ही है, एक्टिंग तो पहली बार कर रहे सब लड़का लोग, मैंने ऐसे ही स्टेज में तो लाइव साइड में तो मैंने करता तो था पहले छोटा मोटा तो मैंने बस्ती लेवल में स्कूल लेवल में तो, लेकिन इतना बड़ा स्टेज में तो एक बार भी नहीं किया ना, ये फर्स्ट टाइम ही है, सभी को अच्छा लग रहा है, हमको भी बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं, मैंने थोड़ा मोड़ा मैंने गलती तो हुआ है लेकिन ट्राई करेगा बाद में जितना हो सके हम लोग वही सोच रहे। कैसा लग रहा है आप फाइनली एक महीना चांगलांग में पूरा एक साथ एक्टर्स सब एक साथ में रहकर अभी फाइनली आप लोगों का नाटक होके ऑडियंस का सामने आप परफॉर्म किया है, कैसा लग रहा है? अच्छा था, मेरा भी फर्स्ट टाइम में था, थोड़ा नर्वस हुआ है, एक दो सीन में थोड़ा गलती भी किए हम लोग, तब भी अच्छा ही था, और जितना मतलब आगे को ऐसा नहीं था, हम अभी यहाँ में आके बहुत चेंज हो गया, हम शर्म चीज भी हट गए और सब कुछ अच्छा ही हुआ है, नहीं है मतलब तो क्या बोलेगा। क्या क्या चीज सीखने को मिला है आपका जो यहाँ में? तो हमको थोड़ा लाउड बोलना और जो शर्म चीज है वो भी हट गए, जितना ऑडियंस लोग बहुत ज्यादा था आज भी हमको थोड़ा सा भी शर्म नहीं लगा है, पर थोड़ा मोड़ा एक दो सीन में हम थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, मतलब नर्वस हो गया था कैसा कर क्या करेगा कैसा करेगा बोल के ऐसा टाइप वाला हो गया था, तो अच्छा ही था, खराब तो नहीं था, अच्छा ही दिए, अच्छा ही बोले हम। रुकम हंसिक
और हम थमयांग विलेज से हैं। तो फाइनली एक महीना ट्रेनिंग के बाद आज आप लोगों ने ऑडियंस के सामने नाटक आप लोगों का जो एक महीने से जो प्रैक्टिस कर रहा था उसको ऑडियंस को दिखाया और ऑडियंस से बहुत प्यार मिला है, ऑडियंस बहुत अच्छा लगा है आप लोगों का नाटक को। तो और हम लोग को तो लगा नहीं था हम लोग इतना अच्छा करेगा। हम लोग एक महीना से इसको एक महीना से सीख के बस आज ही ख़त्म कर दिया। आज हम लोग का ये एक महीना से हम लोग सीख रहा था वहीं बैठ के, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा है। आज हम लोग यहाँ में आके मतलब क्या कल किया था हम लोग, ऐसा लगा कि हम लोग कल क्या करेगा, क्या कैसा करेगा। और मैम लोग भी ये बोला हम लोग को बार बार ये ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, हम लोग बोलते रहते वो बात। मतलब हम लोग का ये कितना भी सामान है, कितना भी वो कैरेक्टर था, कितना भी सीन था हम लोग का, मतलब हम लोग भूलते रहते। इसलिए हम लोग वहाँ में जाके रात को थोड़ा सा डिस्कस किया वहाँ में ऐसा करेगा ऐसा करेगा, और यहाँ में सुबह आके हम लोग ठीक किया। इसके बाद थोड़ा ठीक बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आई थिंक आप लोगों को एक्टिंग का अलावा एक्सरसाइज भी सिखाता है, योगा भी सिखाता है और भी बहुत कुछ सिखाता है। हाँ बहुत सीखे हम लोग ये एक्टिंग का अलावा हम लोग बहुत सारा कुछ सीखने मिला है। सारे लोग आके म्यूजिक का बारे में सिखाए और योगा का बारे में एक्सरसाइज का बारे में सिखाए कुछ वगैरह वगैरह बहुत सारा सिखाया सारे लोग, बहुत अच्छा लगा है। हम लोग सोचा नहीं था हम लोग शो में जाके हम लोग ये सब सीखने मिलेगा, थोड़ा सा भी सोचा नहीं था हम लोग, और बहुत खुशी है हम लोग ये सीखने मिला है इस बात के लिए।